साइंस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल कच्चे गोश्त की दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत ही इजी और आसान तरीके से बनती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कच्चे गोश्त की दम बिरयानी की रेसिपी। सबसे पहले हम रेसिपी के लिए ले लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया है बकरे का गोश्त। 1 किलो गोश्त लिया है मैंने, ये अच्छे से धो के साफ करके मीडियम पीसेस में कट कर लिया है। इसे ज्यादा बड़े पीसेस में नहीं कट करना है आपको, ना ज्यादा छोटे, मीडियम पीसेस में ही कट कर लेना है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे पपीता, ये कच्चा पपीता है, इसे मैंने पीस लिया है छिलके के साथ। ये गोश्त को गलाने में आसानी करेगा इसलिए हमें डालना है। अगर आपको पपीता नहीं मिलता है तो आप टेंडर पाउडर डालिए, मीट टेंडर पाउडर मिलता है मार्केट में आसानी से। और इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का 3 टेबलस्पून भर के पेस्ट डाल दिया हमने। अब डालेंगे इसमें हम नींबू का रस, ये मैंने 1 नींबू का रस लिया है बड़े साइज का। अब डालेंगे पाउडर मसाले, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून भरकर, 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून भर के, ये होममेड है, इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाकर जरूर देखना। हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च को मैंने बीच में से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं कट करके, 4 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कट कर लिए हैं मैंने अच्छे से, और फ्राई की हुई प्याज, ये 2 कप प्याज है फ्राई की हुई, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, जाकर आप देख सकते हो। और लिया है मैंने 200 ग्राम फेटा हुआ दही, दही आपको फेट कर ही डालना है इसमें। एक कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 कप बारीक कटा हुआ पुदीना। अब इन सारे मसालों को हमें गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको कच्चे गोश्त की बिरयानी अगले दिन बनानी है तो आप 1 दिन पहले इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हो और अगले दिन राइस बॉईल करके दम पे लगा दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा उसमें भी। कर लिया हमने सारे मसाले अच्छे से मिक्स गोश्त के साथ। अब रख देंगे इसे हम साइड में। अब हमें बिरयानी का राइस बॉईल करके लेना है, तब तक हमें इसे साइड में रख देना है। यहाँ पे मैंने 3 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, बॉईल आ चुका है इसमें। डालेंगे इसमें हम खड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, फूल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और शाही जीरा। डाल दिया हमने खड़े गरम मसाले पानी में सारे। नींबू के पीसेस डाल देंगे छोटे, 1/2 नींबू है ये। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, तेज पत्ता 3 से 4, और डालेंगे इसमें हम हरी मिर्ची, हरा धनिया और हरा पुदीना। और डालेंगे इसमें हम तेल, तेल डालने से राइस हमारा एकदम खुला खुला बनेगा। 2 से 3 टेबलस्पून डालना है हमें बस इसमें। अब डालेंगे इसमें हम राइस, ये मैंने 1 किलो राइस लिया है, अच्छे से धो के लिया है और 15 मिनट के लिए इसे मैंने भिगो दिया था, ज्यादा समय के लिए नहीं भिगोया मैंने इसे। सारा राइस हमें डाल देना है पानी में, केयरफुली डालना है आपको राइस, पानी बहुत गर्म है, छींटे उड़ सकते हैं। डाल दिया हमने सारा राइस। राइस को हमें सिर्फ 50% ही पका कर लेना है, पूरी तरह से नहीं पकाना है। मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से हम, और 1 बॉईल आने तक हम इसे ढक के रख देंगे। ढक के हमें सिर्फ 1 बॉईल ही आने देना है, ज्यादा नहीं पकाना है। राइस में हमारे 1 बॉईल आ चुका है, ढक्कन खोल देंगे हम इसका। देखते हैं किस तरह से पका है 50%, बताती हूँ मैं आपको किस तरह से पहचानना है हमें राइस को 50% पका हुआ। जैसे कच्चे चावल हमारे टूटते हैं उसी तरह से ये टूटेंगे, लेकिन तुरंत से टूट जाएंगे, इसका मतलब 50% राइस हमारा पक चुका है। अब इसे छान लेंगे हम एक छन्नी में, पूरा पानी निकाल देंगे इसका। अगर आपको खड़े गर्म मसाले नहीं चाहिए तो वो भी निकाल दीजिए,
यहाँ पे मैंने ले लिया एक बर्तन दम लगाने के लिए बिरयानी को। सबसे पहले हम इसमें छाने हुए राइस डाल देंगे, बस थोड़े से डालने हैं हमें सबसे पहले इसमें। और डालना है इसमें गरम किया हुआ तेल, आधा तेल हम अब डालेंगे आधा बाद में। ये मैंने एक कप तेल लिया है। फ्राई की हुई प्याज डालेंगे थोड़ी सी। अब डालेंगे इसमें हम गोश्त जो हमने मैरिनेट करके रखा था, वो चारों ओर फैला के हमें अच्छे से डालना है। हमें इस बिरयानी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। गोश्त टमाटर और दही जो अपना पानी छोड़ेगा उसी में ये सारी बिरयानी पक जाएंगी हमारी। डाल दिया हमने सारा गोश्त इसमें। अब डालेंगे ऊपर से हम तेल जो हमने बचा के रखा था वो। अब फिर से डालेंगे हम फ्राई की हुई प्याज, इसे भी अच्छे से चारों ओर फैला के डालना है हमें। पुदीने के पत्ते डालेंगे और डालेंगे हरा धनिया। अब डालेंगे इसके ऊपर से हम सारा जो राइस रखा है हमने बॉईल करके, सारा राइस डालना है हमें अच्छे से चारों ओर फैला कर। मैंने इसमें से खड़े गरम मसाले नहीं निकाले, बस नींबू के पीसेस निकाले हैं। आप चाहो तो खड़े गरम मसाले भी निकाल सकते हो इसमें से। डाल दिया हमने सारा राइस इसमें। अब डालेंगे इसमें हम फूड कलर, ये मैंने ऑरेंज फूड कलर पानी में घोल के रखा था। आप अपने पसंद से कोई भी कलर डाल सकते हो इसमें। और डालेंगे फ्राई की हुई प्याज। चारों ओर फैला के डालनी है हमें फ्राई की हुई प्याज। डाल दी हमने। अब डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर से देसी घी, आप चाहो तो गरम तेल भी डाल सकते हो। मैं देसी घी डाल रही हूँ, 3 स्पून भर के मैंने डाला है। अब लगा देंगे इसे हम दम पर। यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर लिया है, आपके पास अगर फॉइल पेपर है तो न्यूज पेपर या गीला कपड़ा भी लगा के पैक कर सकते हो इसे। बस आपको इसके ऊपर वजन चीज रखनी होगी ताकि स्टीम बाहर नहीं आए। अच्छे से पैक करना है हमें फॉइल पेपर को, ढक देना है इसे और रख देना है इसे हमें गैस के ऊपर। रख दिया मैंने गैस के ऊपर, इसे अब रख देना है हमें मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसे हम रख देंगे तवे के ऊपर। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, बिरयानी का बर्तन इस पे रख देंगे हम। हाई फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए रखेंगे, फिर लो फ्लेम पर हम इसे 40 मिनट के लिए रखेंगे। बिरयानी को दम पे रखे हुए पूरे मिलाकर 50 मिनट हो चुके हैं। खोल लेंगे हम बिरयानी को। अब देखिए कितनी दमदार धुएदार बिरयानी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। राइस भी देखिए कितना खुला खुला बना है। मैं आपको अब गोश्त भी बताती हूँ गला या नहीं। बहुत ही मजेदार बनती है बिरयानी, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। देखिए गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है, बहुत ज्यादा गर्म था, देखिए कितने अच्छे से गल चुका है ना। एकदम आसान कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाना। अब कर लेते हैं हम इसे डिश आउट। देखिए कितनी खुली खुली बिरयानी बनके हमारी रेडी हो चुकी है, खाने के लिए तैयार है। आप इस बिरयानी को रायते और सलाद के साथ खाइए। और आपको मेरे कच्चे गोश्त की बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू।